तो दोस्तों आज 27 नवंबर 2018 हो चुका है और आज मंगलवार के मुख्य समाचार ताजा समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन आपके लिए हाजिर है और साथ ही पेट्रोल डीजल सोने चांदी का ताजा भाव और साथ में मौसम समाचार भी। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब बैंक में पैसा जमा करने का भी देना होगा चार्ज और एटीएम से पैसे निकालने के भी लगेंगे चार्ज। बैंकों ने दी मोदी सरकार को धमकी। जी हां, अब आपको एटीएम से पैसा निकालने या बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए चार्ज देना होगा। सभी बैंकों ने मोदी सरकार को यह धमकी दी है कि अगर सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस वापस नहीं लिया तो बैंक वाले सभी कस्टमर को कोई भी सर्विस फ्री नहीं देंगे और हर छोटी से छोटी सर्विस का चार्ज लेंगे। अगर बैंकों ने इस पर अमल किया तो अब आपको पैसे निकालने के लिए, पैसे डालने के लिए हर चीज के चार्ज देने होंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि बच्चों को भारी स्कूल बैग से मिलेगी निजात। सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जारी किया नया नियम। जी हां, अब स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी बैग से निजात मिलेगी। मंत्रालय ने पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बैग के वजन निर्धारित कर दिए हैं। सरकार ने कौन सी क्लास के लिए और कितने किलो बैग का निर्धारित किया है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और साथ ही बच्चों को होमवर्क देने पर भी नया नियम आया है। पहली से दूसरी क्लास वाले बच्चों को होमवर्क देने के लिए मना किया गया है। इन क्लास में बच्चों को केवल भाषा और मैथ पढ़ाने के लिए कहा गया है। और दोस्तों आज की अगली खबर, रेलवे स्टेशन पर करेंगे धूम्रपान तो कट जाएगा चालान। जी हां, इंडियन रेलवे की तरफ से ये बड़ा अपडेट आया है। रेलवे पुलिस ने अब धूम्रपान को बंद करने का फैसला लिया है। अगर कोई यात्री चेतावनी देने के बाद भी धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उसका चालान कर दिया जाएगा। फिलहाल ये नियम दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर लागू किए गए हैं और हो सकता है कि बाकी स्टेशन पर भी ये लागू कर दिए जाएं। और दोस्तों आज की अगली खबर, अगर फिर हुआ मुंबई में 26/11 जैसा हमला तो भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है युद्ध। जी हां, मुंबई हमले की 10वीं बरसी के मौके पर अमेरिका के ओर से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई है। अमेरिका के कई एक्सपर्ट ने बताया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से फिर से कोई 26/11 जैसा हमला होता है इंडिया में तो दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि अगर आपने अपने व्हाट्सएप से ऐसे क्लिप को शेयर किया तो आपको होगी 7 साल की सजा और भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये बिल्कुल ताजा अपडेट आया है। भारत सरकार ने एक नया कानून जारी किया है जिसके तहत अगर कोई अपने व्हाट्सएप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो शेयर करेगा यानी बच्चों की एडल्ट वीडियो तो उसको 7 साल की सजा होगी और साथ ही 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और दोस्तों आज की अगली खबर, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 16 कैमरा लेंस के साथ आ सकता है ये स्मार्टफोन। जी हाँ, अब 2, 3, 4 कैमरे के बाद पूरे 16 कैमरे वाला फोन आने वाला है। कोरियन कंपनी LG की तरफ से ये खबर आई है कि LG 16 लेंस वाला स्मार्टफोन ला सकती है। इन कैमरों की मदद से आप 360 डिग्री की वीडियो और फोटो ले सकेंगे। यानी अगर आपने कोई फोटो खींची और अगर आपको उसका एंगल पसंद नहीं आ रहा तो आप बाद में एडिटिंग के जरिए अपने फोटो के पोज भी चेंज कर सकेंगे और अपने हेड को भी इधर उधर कर सकेंगे। दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप वीडियो तो देख रहे हैं पर वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कर दें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना, आपका शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। दोस्तों आज की अगली खबर, अंतरिक्ष में विशालकाय चट्टानों को काटेगी ये तलवार। अंतरिक्ष के चट्टानों को काटने के लिए वैज्ञानिक बना रहे हैं एक बड़ी ही धारदार मशीन। सदियों से जापान में योद्धाओं के लिए ऐसी तलवारें बनती हैं जो कि बेहद ही धारदार होती है, जो कि अच्छे से तपाए लोहे से बनती है। अब 3 इंजीनियरों ने जापान के मशहूर तलवार निर्माता के साथ मिलकर एक लोहे की ऐसी मशीन बनाने में जुटे हैं जिससे अंतरिक्ष के चट्टानों को काटा जाएगा और वहां के नमूने यहां पर मंगवाए जाएंगे टेस्ट करने के लिए। और दोस्तों आज की अगली खबर, 3 महीने के लिए रद्द होंगी 20% ट्रेनें, सफर में होगी देरी। जी हाँ, आने वाले 3 महीने में अभी जितनी ट्रेनें चलती हैं उसमें से 20% ट्रेन को रद्द कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे 3 महीने के लिए उन जोन में 20% ट्रेनों को रद्द करने जा रही है जहाँ पर कोहरे ज्यादा पड़ते हैं और साथ ही उन जोन में जो बाकी ट्रेनें चलेंगी उनकी रफ्तार भी काफी धीमे होगी। साथ ही कोहरे वाले इलाकों पर ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड सिर्फ 15 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखने को कहा गया है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि 18 साल पहले ऐसे दिखते थे कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने खुद इस फोटो को शेयर करके बताया कि उस समय कौन सा ऑडिशन देने गए थे। अभी हाल ही में कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने कॉलेज के दिनों की फोटो शेयर की है। इस पुरानी फोटो में कपिल अपने दोस्त के साथ नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने बताया कि ये फोटो उस समय की है जिस समय वो सारेगामा जो एक सिंगिंग शो है उसमें ऑडिशन देने गए थे। और दोस्तों आज की अगली खबर कि यहां से गुजरेंगे वाहन तो बनेगी बिजली, कम होगा वायु प्रदूषण, बनाई गई है नई डिवाइस। जी हां, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एक मैकलेक वायु 1 नाम की एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो न सिर्फ हवा को साफ करेगी बल्कि बिजली भी बनाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अगर इस पे से गाड़ी गुजरेगी तो बिजली भी बनेगी और हवा भी साफ होगी। ये नई तकनीक हमारे इंडिया में बनाई गई है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे महंगा एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है डायरेक्ट बात। जी हाँ, भारत में एक ऐसा ऐप लॉन्च हुआ है जो कि सबसे महंगा है। इसकी कीमत 25,000 रुपए है। ये ऐप व्हाट्सएप जैसा है लेकिन साथ ही आप इस ऐप के जरिए शेयर इट की तरह अपनी फाइल वगैरह भी शेयर कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी चैटिंग को, अपनी जानकारी को व्हाट्सएप पर और इस जैसी ऐप पर सुरक्षित नहीं समझते।
बहुत बार ऐसा मामला सामने आया है कि उनकी जानकारी हैक हो जाती है। पर ये जो व्हाट्सएप जैसा नया ऐप आया है ये पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है और ये किसी भी चैट या वीडियो को किसी भी सर्वर पर सेव नहीं करते। वैसे इसकी कीमत 25,000 रुपए है लेकिन लॉन्चिंग ऑफर के तहत ये गूगल प्ले स्टोर पर आपको सिर्फ 500 रुपए में मिल जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि टायर फटने और ब्रेक फेल से बचाने के लिए वाहनों की सुरक्षा प्रणाली में होंगे बदलाव। गाड़ियों में लगाई जाएगी नई तकनीक की डिवाइसें। एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसे को देखते हुए सरकार वाहनों में कुछ तकनीक लगाने को अनिवार्य कर सकती है। दो मेन तकनीक है जो गाड़ियों में लगाई जाएंगी। पहला टायर प्रेशर है और दूसरा ब्रेक असिस्ट सिस्टम है। टायर प्रेशर डिवाइस ये बताएगा कि टायर में जो हवा का दबाव पड़ रहा है वो कम है या ज्यादा, जबकि जो ब्रेक डिवाइस लगाया जाएगा वो अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में उचित ब्रेक पावर प्रदान कर ड्राइवर की मदद करेगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि दाल सब्जी और चीनी में हो रही है मिलावट। आई है बड़ी खबर कि आप भी चेक करें। चेक करने का तरीका भी जारी हुआ है। अगर किसी चीज में मिलावट की तकनीक निकली है तो उसे जांचने का भी तरीका निकाला गया है कि वो असली है या नकली। आपकी स्क्रीन पर घी से लेकर दाल तक, शक्कर से लेकर हल्दी तक सभी चीजों के जांचने का तरीका लिखा हुआ है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ताकि आप हर परेशानी बीमारी से दूर रहें। और दोस्तों आज की अगली खबर कि एक SMS भेजकर हैक किया जा सकता है आपका स्मार्टफोन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें सिक्योरिटी रिसर्च की तरफ से ये बड़ी खबर आई है कि जो एंड्रॉइड के 2.2 वर्जन है और 5.1 वर्जन है जिसे लॉलीपॉप कहा जाता है, इनमें एक खराबी है। फोन में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है स्टेज फ्राइट। इसके जरिए मल्टीमीडिया फाइल को ओपन किया जा सकता है और SMS वगैरह को भी ओपन किया जा सकता है। ऐसे में यदि किसी हैकर के पास आपका मोबाइल नंबर है तो वो आपको एक SMS भेजकर आपके फोन को हैक कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी अनजान SMS आता है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और दोस्तों आज की अगली खबर कि बधिर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। जी हाँ, भारत ने बधिर ICC T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी और पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ 67 रन बनाए। वहीं जब भारत पिच पर उतरी तो सिर्फ 4 ओवर 5 बॉल में इस लक्ष्य को पा लिया और पूरे 10 विकेट से नेपाल को हरा दिया। और दोस्तों आज की अगली खबर कि पुरानी कारों की ऑफलाइन भी बिक्री करवाएगा OLX। अपने कारोबार को विस्तार करेगा, खोले जाएंगे 150 सेंटर। जी हाँ, OLX ऑनलाइन दुनिया के बाद अब ऑफलाइन में कदम रखने जा रहा है। अब OLX केंद्रों के जरिए ऑफलाइन भी कारों की बिक्री करवाएगा। 2021 तक OLX 40 शहरों में 150 केंद्र खोलेगा जिसके जरिए कस्टमर केंद्रों पे जाकर पुरानी कारों को खरीद सकेंगे, जिस तरीके से अभी ऑनलाइन OLX पर खरीदते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि 3 महीने में 8,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है जियो ने और बन गई है नंबर 1। हो गया है BSNL का सबसे बुरा हाल। जी हाँ, जियो ने कमाई के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जियो ने सिर्फ 3 महीने में 8,271 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब एयरटेल हो या आइडिया हो या वोडाफोन हो, सभी कंपनियां भी इस आंकड़े को देखकर हैरान हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर कि धरती गर्म ना हो इसलिए केमिकल के जरिए सूरज की रोशनी का असर कम करने की है योजना। जी हाँ, धरती के तापमान में इजाफा हो रहा है, इसके चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लिहाजा समुद्र तल बढ़ने से तटीय शहरों को डूबने का खतरा है। अब वैज्ञानिक सूरज की रोशनी का असर कम करने की सोच रहे हैं। वैज्ञानिक वायुमंडल में एक ऐसे केमिकल का छिड़काव करेंगे जिसकी वजह से सूरज की गर्माहट का असर कम हो जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि ये वाटरशिप घुमाएगी 140 दिनों में 32 देश। इस रोमांचक सफर के लिए कर सकते हैं बुकिंग। जी हाँ, अगर आप वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं और आपको एडवेंचर पसंद है तो आपके लिए खास मौका है। दुनिया की जानी मानी क्रूज कंपनी एक शानदार ऑफर दे रही है। इसके तहत आप 140 दिनों के लिए शिप की यात्रा करेंगे। इसमें आपको 32 देश घुमाए जाएंगे, लेकिन इस वाटरशिप में घूमने की कीमत बहुत ज्यादा है। सबसे कम की बुकिंग 45 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। इस शिप को अंदर से बिल्कुल आलीशान महल की तरह बनाया गया है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि ओप्पो का नया स्मार्टफोन A7 बिक्री के लिए हुआ लॉन्च। जी हाँ, ओप्पो का A7 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है जिसकी भारत में कीमत 16,990 रुपए रखी गई है। ये एंड्रॉइड 8.1 ओरियो बेस्ड है। इस फोन में 4GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज दी जा रही है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है तो रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। वहीं इसकी बैटरी 4230mAh की है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि इंजीनियरों ने बनाई रोबोटिक आर्म, तीसरे हाथ की तरह होगा इस्तेमाल, आपको खाना भी खिलाएगा। जी हाँ, कुछ इंजीनियरों ने मिलकर एक रोबोटिक हाथ बनाया है जो कि आपको खाना भी खिला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसको किसी भी व्यक्ति के सीने पे लगाया जा सकता है। इसे बनाने वाले इंजीनियर ने बताया कि ये रोबोटिक हाथ लोगों के खाने खाने का एक्सपीरियंस बदल के रख देगा। लोग इसे तीसरे हाथ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक वीडियो भी है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर देख सकते हैं कि ये रोबोटिक हाथ इंजीनियरों ने कैसा बनाया है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि इंडिगो ने सीट चुनने पर 800 रुपए तक का चार्ज लगाया। आलोचना हुई तो कहा कि ये सभी सीटों के लिए नहीं है। जी हां, एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सिर्फ सीट चुनने के लिए 100 रुपए से 800 रुपए तक का चार्ज रखा है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इसकी बात चली तो सरकार की तरफ से एयरलाइन कंपनी को कहा गया कि आप इसकी समीक्षा करें और इसका जवाब दें। तो जवाब में एयरलाइन कंपनी ने कहा
कहा कि ये सभी सीटों के लिए नहीं है, कुछ ऐसी खास सीटें होंगी जिन पर ये चार्ज लिया जाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर कि मोगली में ये बॉलीवुड सितारे दे रहे हैं आवाज, माधुरी दीक्षित बनी लोमड़ी तो अनिल कपूर बने भालू। जी हाँ, शायद आपने मोगली फिल्म देखी होगी तो उसी का अगला सीक्वल आ रहा है, लेकिन ये थिएटर पर रिलीज नहीं होगा बल्कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। कि एक मोगली फिल्म है जो कि जानवरों की जिंदगियों पे आधारित है, वो इंग्लिश में रिलीज होने के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। आपको बता दें इस मूवी में अनिल कपूर भालू की आवाज दे रहे हैं तो जबकि माधुरी दीक्षित लोमड़ी की आवाज देंगी, और साथ ही आपको इसमें अभिषेक बच्चन की भी आवाज सुनने को मिलेगी और इसमें आपको करीना कपूर खान की भी आवाज सुनने को मिलेगी। और दोस्तों आज की अगली खबर कि एयरटेल ने लॉन्च किए 5 नए प्रीपेड प्लान, 34 रुपए से शुरू हुए हैं प्लान के दाम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक नया अपडेट आया था जिसके तहत अब जो यूजर अपने सिम में अगर 1 महीने के अंदर रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो उनकी आउटगोइंग भी बंद हो जाएगी और कुछ वक्त बाद इनकमिंग भी बंद हो जाएगी। तो लोगों की आउटगोइंग बंद ना हो, इनकमिंग बंद ना हो, इसी के लिए एयरटेल ने कुछ प्लान पेश किए हैं जिसमें सबसे सस्ता प्लान 34 रुपए का है। इसमें आपको करीब 25 रुपए का टॉक टाइम दिया जाएगा, 100 MB डाटा दिया जाएगा और कॉलिंग चार्ज की बात करें तो आपको 2.5 पैसे प्रति सेकंड का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं आप रिचार्ज करते वक्त बाकी प्लान देख सकते हैं और किस प्लान में कितना क्या क्या दिया जा रहा है, रिचार्ज करते वक्त आपको ये पूरी बात बताई जाएगी। और दोस्तों आज की अगली खबर कि HSSC के एडमिट कार्ड आने वाले हैं, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित की जा रही इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। आज परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही होगा क्योंकि उन्हें कोई हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। तो आइए आपको फटाफट से पेट्रोल डीजल सोने चांदी का ताजा भाव बता देते हैं और साथ में मौसम समाचार भी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि WWE के फाइटर अंडरटेकर का असली नाम क्या है, क्योंकि अंडरटेकर का असली नाम अंडरटेकर नहीं है। तो फटाफट से इसका जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बात करें पेट्रोल की ताजा भाव की तो रोजाना ही पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ रही है। पिछले दिन भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पर 35 पैसे की कटौती की गई है। 35 पैसे की कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74.49 रुपए हो गई है। वहीं बात करें डीजल की तो डीजल पर भी 41 पैसे घटाए गए हैं। 41 पैसे की कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 69.29 रुपए हो गई है। बाकी सभी शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा दिया गया है। और दोस्तों बात करें सोने चांदी के ताजा भाव की तो दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने पर 100 रुपए की बढ़त देखी गई है। अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 31,850 रुपए है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी पर भी 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अभी 1 किलो चांदी की कीमत 37,450 रुपए है। वहीं बात करें मौसम के ताजा हाल की तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, केरल और लक्षद्वीप के 1-2 इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली NCR के लिए खबर आई है कि वहां का प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। बाकी देश के सभी शहरों में मौसम सूखा रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।